अब सभी को मोहब्बत तो हुई होगी ना, जी। मुझे भी हुई थी। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग छिपाते हैं। मैंने बताया लेकिन सिर्फ अपनी डायरी को। उसे बताते बताते कब शब्दों में तुकबंदी आ गई पता ही नहीं चला। आज मौका मिला तो सोचा आप लोगों के साथ साझा कर लूं। तो सुनिएगा, उनके ख्यालों के अलावा मैं और कुछ उन पन्नों पर उतार ही नहीं पाती हूँ। शायद मैं खुद से भी ज़्यादा उनको चाहती हूँ। वैसे आज आपके बजाय तुम कहने का मन है, फॉर्मल से थोड़ा इनफॉर्मल होने का मन है। अच्छा। वो नंबर वो नंबर जो इतने दिनों से याद करे बैठी हूँ, आज उस पर फ़ोन मिलाने का मन है। वो शख्स जिसका चेहरा रोज सुबह मेरी आँखें खुलने से पहले मेरे ख्यालों में दस्तक देता है, आज उससे सच में मिलने का मन है। और मिलकर हर एक फीलिंग बताने का मन है, उसे भी सेम फीलिंग है ये सुनने का मन है। वैसे मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हो और मैं उनकी, बस यूं ही बेमतलब जिंदगी भर कभी कभी बातें करने का मन है। वैसे इस दिल का क्या है, कभी कुछ मन करता है तो कभी कुछ अच्छा लगता है। तो इस पे लिखा कि लगता है इस दुनिया की मोह माया में फंस रही हूँ मैं, क्योंकि आज कल किसी की मुस्कुराहट पर मर रही हूँ। उनकी फोटो को देखकर कुछ अलग लगता है, ये लस्ट नहीं फर्स्ट लव लगता है। मेरी जीत पर उनका मुस्कुराना अच्छा लगता है, उधर उनका ऑनलाइन आना इधर मेरा शर्माना अच्छा लगता है। बातें करते करते समय का निकल जाना अच्छा लगता है, उनका खुद को शाय और मुझे इगोइस्ट कहना अच्छा लगता है। बिना मुझे हर्ट किए मेरी खामियों को बता देने का अंदाज अच्छा लगता है। अनलाइक एवरी वन मेरी बातों को बचपना कह देना अच्छा लगता है, मेरी चिंता करना मेरे लिए कंसर्न दिखाना सब अच्छा लगता है, उन्हें याद करके सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगता है। लगता था ये फीलिंग्स उन पन्नों में सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि उनको बताने की हिम्मत शायद ही कभी हो पाएगी। मगर एक दिन हिम्मत जुटा ली और सब बता दिया। शुरुआत में चीज़ें सही चली, फिर सब बिगड़ गया और सब ख़त्म हो गया। तो उन्हें अलविदा कहने के लिए कुछ लिखा था कि अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ये मेरी कोई इनायत नहीं है। शिकायतें नाराज़गी ये ढोंग तो उनके सामने किए जाते हैं जो हमें प्यार से मनाते हैं, लेकिन यार तुम तो मुझे कभी मनाते ही नहीं। प्यार से छोड़ो तुम तो मुझसे कभी बतलाते ही नहीं, मेरी झूठी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पे तो चढ़ाते ही नहीं। ये झूठी छोटी चीज़ें अब हमारे बीच है ही नहीं और शायद कभी थी ही नहीं। यार तुमसे बहुत प्यार किया था, याद है तुम्हें कैसे रोते रोते इकरार किया था। अब तुमसे मुस्कुरा कर अलविदा कहना चाहती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें, बस भूल जाना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ। शायरियाँ सबने सुनाई है तो एक मैंने भी लिखा था, वो भी सुनाना चाहूंगी। ये तो पोइट्री थी ना शायद। अरे नहीं नहीं स्ट्रांग हूँ। जरूरी है रिश्तों को नाम देना, एक डोर से एक दूजे को बांध लेना। जरूरी है रिश्तों को नाम देना, एक डोर से एक दूजे को बांध लेना, क्योंकि बेनाम रिश्ते ज़्यादा चलते नहीं हैं, लोगों से अक्सर ये संभलते नहीं हैं। थोड़ी सी दिक्कत आने पे ये तोड़ दिए जाते हैं, तुम हो कौन ऐसा महसूस करा के अपने चाहने वाले छोड़ दिए जाते हैं।